स्टूडेंट, आज हम पूर्वाधिकार अंशों के शोधन पर चर्चा करेंगे। क्या होता पूर्व, दो प्रकार के हमने आपको अंश बताए थे, हमने आपको शेयर बताए थे, दो प्रकार के शेयर बताए थे, एक पूर्वाधिकार शेयर, दूसरा इक्विटी शेयर। पूर्वाधिकार शेयर वे होते हैं जिन्हें दो प्रकार के स्पेशल प्रोविजन प्राप्त होते हैं, पहला डिविडेंड पहले प्राप्त करने का अधिकार, दूसरा समापन इक्विटी शेयर से पहले राशि प्राप्त करने का। तो इस प्रकार के दो प्रोविजन होते हैं और निश्चित दर से लाभांश मिलता है। आज हम इनका शोधन किस प्रकार से करेंगे, उनमें कौन कौन से जर्नल के लेख किए जाते हैं, उन जर्नल के लेखों के संबंध में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जब भी शोधन किया जाता है, वैसे तो शोधन करने के लिए भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 55 दी है। कंपनी अधिनियम की धारा 55 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि हम जो है पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करेंगे और किस प्रकार से किन किन चीजों को शो करेंगे। वैसे कंपनी अधिनियम के अनुसार शोधनीय पूर्वाधिकार कोई भी कंपनी अपने शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों को जारी नहीं कर सकती है, लेकिन कंपनी इस प्रकार के अंशों का जो 20 वर्षों के अंदर कम से कम इनका भुगतान हो जाना चाहिए, अगर नहीं होता है तो कंपनी अधिनियम में इस प्रकार का प्रावधान है। अब हम देखते हैं कंपनी अधिनियम की धारा 2013 की धारा 55 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार से पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से लाभ है शोधन करने पर जो हम अपने इसमें प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले किन किन चीजों का शोधन में प्रयोग किया जाता है, तो इस चीज को पूर्वाधिकार अंशों के शोधन पर पूर्वाधिकार अंश के शोधन पर कौन कौन से लाभ लेंगे, कौन से लाभ हैं उनको हम लेंगे। तो सबसे पहले लाभ है लाभ हानि खाता, यानी लाभ हानि खाते से जो भी लाभ है उसमें से हम इसका शोधन कर सकते हैं। दूसरा सामान्य संचय, या संचय कोष अगर है तो इसको भी हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाभांश सामान्यकरण कोष, अगर हमारा लाभांश सामान्यकरण कोष दिया है तो इसको भी हम पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के समय प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है बीमा कोष, अगर हमारा बीमा कोष दिया है तो बीमा कोष का भी हम पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करते समय हम प्रयोग कर सकते हैं। कर्मचारी क्षतिपूर्ति या दुर्घटना कोष, कर्मचारी क्षतिपूर्ति एवं दुर्घटना कोष पड़ा है तो इसका भी हम प्रयोग पूर्वाधिकार अंकों के शोधन के समय कर सकते हैं। स्वैच्छिक ऋण पत्र शोधन कोष, स्वैच्छिक ऋण पत्र शोधन कोष, अगर स्वैच्छिक ऋण पत्र शोधन कोष है तो उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद संभाव्य संचय, संभाव्य हानि के लिए, यानी ऐसी आकस्मिक हानियां होती हैं तो उन आकस्मिक हानियों की पूर्ति के लिए हम एक संचय बनाते हैं जिसे संभाव्य संचय के नाम से जानते हैं। तो ये इस प्रकार के सात कोष हैं
जिनका प्रयोग हम पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के समय कर सकते हैं। पहला लाभानी खाता, सामान संचय कोष खाता, लाभांश समानीकरण कोष खाता, बीमा कोष खाता, कर्मचारी क्षतिपूर्ति और दुर्घटना कोष खाता और शैक्षिक ऋण पत्र शोधन कोष खाता, संभाव्य संचय खाता। तो इस प्रकार के आपके 7 ऐसे कोष हैं जिनको हम लाभानी पूर्वाधिकार अंश के शोधन के समय हम प्रयोग कर सकते हैं। आगे हम उन कोषों की चर्चा करेंगे जो पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करते समय इन कोषों का प्रयोग नहीं किया जाता। किन किन को कौन कौन से ऐसे कोष हैं जो पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करते समय नहीं करते? कौन कौन से ऐसे लाभ हैं जिन्हें प्रयोग नहीं करते? सबसे पहले आता है पूंजी संचय। तो पूंजी संचय यानी कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व का प्रयोग नहीं करेंगे हम। दूसरा आता है आपका समामेलन के पहले का लाभ, समामेलन के पूर्व का लाभ, अगर समामेलन के पूर्व का लाभ है प्रॉफिट पीरियड इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी के पूर्व जो भी हमने समामेलन कराया उसके पहले का कोई लाभ है। अंशधारण खाता, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट है तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे। विनियोग संचय, इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट। इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है आपका अंश प्रीमियम खाता, शेयर प्रीमियम अकाउंट। इस प्रकार से 5 खाते ऐसे हैं जिनका प्रयोग आप पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करते समय इन लाभों का प्रयोग आप नहीं कर सकते। सबसे पहले पूंजी संचय खाता, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, समामेलन के पहले का लाभ, अगर हमारा कंपनी का कोई समामेलन के पहले का लाभ है तो उस लाभ को हम पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के समय प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट अंशधारण खाता, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर जो कंपनी के द्वारा अंशों का हरण किया गया उसका कोई लाभ है तो उसे भी हम नहीं करते। विनियोग छूट संचय, इन्वेस्टमेंट डेबिट रिजर्व अकाउंट अगर हमारा है तो उसका भी प्रयोग हम नहीं करते हैं। और अंश प्रीमियम यानी शेयर प्रीमियम अकाउंट है तो उसका भी प्रयोग हम पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करते समय नहीं करते। तो आज हमने 2 प्रकार के संचयों का की व्याख्या की है। पहले प्रकार के संचय वे संचय हैं जो पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करते समय हम प्रयोग करते हैं। दूसरे प्रकार के संचय वे हैं जिनको पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करते समय हम प्रयोग नहीं करते। तो दोनों प्रकार के संचयों का प्रयोग हम किनका करते हैं किनका नहीं, इस बात का हमें जब शोधन करते हैं उस समय हमें ध्यान में रखना होता है। क्योंकि जब तक हम इन संचयों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हम सही प्रकार से शोधन कोष का संचय यानी
कैपिटल रिजर्व अकाउंट किस प्रकार से हम करते हैं वो हम सही प्रकार से मेंशन नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद।